हेलो फ्रेंड्स, वंदना जी की रसोई में आपका स्वागत है और मैं हूँ वंदना। तो फ्रेंड, आज मैं आपको पिज्ज़ा बेस और पिज्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल देसी स्टाइल में, वो भी घर का। और ना ही मैं ईस्ट डालूंगी फ्रेंड, फिर भी हमारा देखना पिज्ज़ा इतना अच्छा बनेगा। तो मैं अपना पिज्ज़ा तवे पर बनाऊंगी, क्योंकि हर किसी के घर पर ओवन नहीं होता है। तो आज मैं इसको तवे पर बनाऊंगी, बिल्कुल बाजार जैसा। तो फ्रेंड, आप देख ही रहे हैं मेरा पिज़्ज़ा कितना चीजी और कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और हमारा पिज़्ज़ा घर का बना हुआ है, हम जब चाहें घर पर बना सकते हैं इसको, बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पिज़्ज़ा खाने का मन करता है तो हम बाज़ार से मंगा लेते हैं, और फिर भी हमारा मन नहीं भरता है और ना ही इतना चीजी रहता है। इसलिए फ्रेंड, आप घर पर बनाएं, ये कम पैसों में और बढ़िया तैयार हो जाता है और एकदम चीजी पिज़्ज़ा। आप जब भी बनाएं घर पर ही बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम अपना पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें एक कप मैदा डाल लिए। अब हम इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चम्मच छोटी चम्मच नमक, और ये मैंने 4-5 चम्मच मैंने दही लिया है फ्रेंड, तो इसे भी हम इसमें डाल लेंगे। ये मैंने फ्रेश दही लिया है। अब दूध डालकर, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका मुलायम डो बना लेंगे। हमें ज़्यादा टाइट डो नहीं चाहिए, इसका हमें सॉफ्ट ही डो लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, हम इस प्रकार अपने डो को लगा लेंगे, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बेस बहुत ही मुलायम और अच्छा सॉफ्ट बनेगा। अब हम इस पर ऑयल लगाकर इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। और फ्रेंड, हम बिना ईस्ट के अपने पिज़्ज़ा बेस बना रहे हैं, तो हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही इसमें डालना है, जिससे हमारा बेस अच्छे से फूल जाएगा। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए आराम करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड, मैं अपने डो को एक प्लेट से ढककर रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो गीले कपड़े से भी ढककर रख सकते हैं। हमारे 15 मिनट हो गए हैं, अब हम पिज़्ज़ा डो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पिज़्ज़ा डो कितना फूल गया है। अब हम इसको हाथों की सहायता से 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से मैश करेंगे। हम जितना इसको मैश करेंगे उतना ही हमारा पिज़्ज़ा बेस अच्छा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारे हाथों की थोड़ी कसरत होने वाली है। अब हम इसकी लोई बनाकर इसको अच्छे से बेल लेंगे, तो हम इसकी गोल रोटी बना लेंगे। तो देखिए, हमारा पिज़्ज़ा बेस हमने बेल लिया है। हमें इतना मोटा रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बेस अच्छा सॉफ्ट बनेगा। और एक स्पून की सहायता से हमें इसमें होल कर लेंगे, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बेस फूलेगा नहीं। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने आयरन का तवा लिया है, आप चाहे तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं अपने पिज़्ज़ा बेस को बनाने के लिए। तो देखिए, हमारा पिज़्ज़ा बेस फूल का डबल हो गया है। आप भी पिज़्ज़ा बेस इसी प्रकार बनाएं, आपका पिज़्ज़ा बेस भी बिल्कुल मार्केट जैसा तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा, तो पिज़्ज़ा बेस में सॉफ्टपन नहीं रहेगा। इसका पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये सॉस लिया है। इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची। तो इन सबको मिलाकर हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेंगे। और फिर अगर आप चाहें तो मार्केट से भी पिज़्ज़ा सॉस मंगा सकते हैं, ये मैं घर पर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारा सॉस बन गया ना बिल्कुल मार्केट जैसा। अब हम इसको पिज़्ज़ा बेस पर लगा लेंगे, फैलाते हुए अच्छे से फैलाकर उस पर हम चीज़ डाल लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने ये अमूल की चीज़ ली है, ग्रेट की हुई, आप चाहें तो स्लाइस वाली भी ले सकती हैं। फ्रेंड, आप जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो वेजिटेबल लगाने से पहले आप इस पर चीज़ ज़रूर फैलाएं, तो इससे आपका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये हरी शिमला मिर्ची ली है, तो इनको हम अच्छे से लगा देंगे, देखने में भी सुंदर लगे हमारा पिज़्ज़ा। इस प्रकार हमें लगाना है। अब हम इस पर प्याज लगा लेंगे और टमाटर लगा लेंगे,
मैंने इस पर टमाटर प्याज और ही शिमला मिर्ची लगाई है। फ्रेंड आप चाहें तो पीली और लाल भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैंने किस प्रकार अच्छे से अपना पिज्ज़ा सजाया है, आप इसी प्रकार सजाएं तो आपका पिज्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी फ्रेंड बहुत ही यम्मी लगेगा। तो आप इस पिज़्ज़ा को ज़रूर बनाएं। आप जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो काली मिर्च हल्की हल्की कूट कर उस पर डालें तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब मुंह में आती है ना काली मिर्ची तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने ये कूट कर काली मिर्ची डाली हुई है और ये चिली फ्लेक्स है, तो ये चिली फ्लेक्स भी डाला है मैंने। ये चिली फ्लेक्स मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आपको रेसिपी जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड। और अब हम इस पर पनीर के छोटे छोटे पीस लगा लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे पिज़्ज़ा में। अब हम इस पर चीज़ फैला लेंगे। अब हम घर पर पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो फ्रेंड चीज़ में लालच नहीं करेंगे और हम इस पर भर भर कर चीज़ डालेंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बने और चीज़ी बने, क्योंकि हमें खाने में भी अच्छा स्वाद आए और बच्चे भी कहें मम्मा वाह क्या चीज़ डली हुई है, क्या पिज़्ज़ा बनाया है आपने। तो देखिए फ्रेंड मैंने कितनी सारी चीज़ डाली हुई है। और ये आयरन का तवा रख दिया है मैंने, इस पर हल्का हल्का ऑयल लगा दिया है। अब हम अपना पिज़्ज़ा आयरन के तवे पर रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने ये रख दिया है, अब हम इसको ढक देंगे और इसको 10 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। अब हम अपना पिज़्ज़ा खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड वाओ क्या पिज़्ज़ा बना हुआ है हमारा, हमारी चीज़ भी कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा फूल गया है, पिज़्ज़ा बेस भी अच्छे से और पक गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारा पिज़्ज़ा एकदम कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा, खाने में भी इतना ही अच्छा लगेगा। अब मैं आपको इसके कट कर कर दिखाती हूँ तो हमारी चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई है फ्रेंड। तो देखिए वाओ कितनी यम्मी, वो हमारी चीज़ कितनी स्मूथ, खिंची खिंची, कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बना है। तो देखिए फ्रेंड अब फ्रेंड मैं अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करने वाली हूँ, आप भी बनाएं एंजॉय करें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अगली रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।